आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। वर्तमान समय में शिक्षा के मंदिर सिर्फ और सिर्फ धन कमाने का जरिया बन चुके हैं, जहां अनेक निजी स्कूल संचालकों द्वारा विद्यार्थियों से तो पूरी फीस वसूली जाती है, किंतु अपना कार्य कर रहे शिक्षकों का वेतन रोककर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। ताजा मामला प्रकाश में आया है इंदौर के सुंदर नगर एक्सटेंशन सुखलिया क्षेत्र में स्थित श्री हरि पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल का, जहाँ शिक्षक अपने मार्च और अप्रैल के वेतन भुगतान को लेकर थाने के चक्कर लगा रहे हैं। शुक्रवार को इंदौर के सुखलिया क्षेत्र के सुंदर नगर एक्सटेंशन में स्थित श्री हरि पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक हीरा नगर थाने में स्कूल संचालकों की प्रताड़ना एवं बकाया वेतन भुगतान तथा संचालकों पर कार्यवाही की मांग को लेकर थाने में पुलिस से निवेदन करते हुए देखे गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल संचालकों और शिक्षकों के बीच में पूर्व में प्रोविडेंट फंड को लेकर भी विवादग्रस्त स्थिति बनी थी। इसके पश्चात स्कूल संचालक जगदीश चौकसे ने शिक्षकों का मार्च एवं अप्रैल का 2020 का वेतन रोक दिया। शिक्षकों ने बताया कि बकाया वेतन मांगने पर चौकसे उन्हें अपशब्द कहने लगे। चौकसे ने ना तो वेतन दिया, बल्कि नियुक्ति के समय शिक्षकों द्वारा जमा कराए गए वास्तविक शैक्षणिक व अन्य दस्तावेज भी वापस नहीं किए। अतः पुलिस प्रशासन चौकसे के खिलाफ लाखों रुपए का गबन करने व शैक्षणिक दस्तावेजों की अफरा तफरी करने पर कड़ी कार्रवाई करे। वहीं इस पूरे मामले में स्कूल संचालक जगदीश चौकसे एवं डायरेक्टर विवेक तिवारी ने कहा कि दिसंबर में इन लोगों ने स्ट्राइक की थी तथा सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि लॉकडाउन के पीरियड की हम लोग सैलरी देने के लिए बात ही नहीं है। स्कूल प्रबंधन वेतन और दस्तावेज देने की बात तो कह रहा है, किंतु दे नहीं रहा है। कुल मिलाकर इस मामले में वेतन नहीं मिलने के कारण शिक्षकों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। ऐसे में स्कूल संचालकों द्वारा शिक्षकों को बकाया भुगतान कर आगे की बात की जानी चाहिए। हम लोगों का जो वेतन है, हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ शिक्षकों का पीएफ नहीं दिया गया है, इसी कारण हम लोग यहाँ पर एक साथ आए हुए हैं, जिसको लेकर कई बार हमारा फ़ोन भी हमने संचालक सर को किया था, जिसका कोई प्रॉपर हमको रिस्पांस नहीं मिला आज की तारीख में। ये कौन सा स्कूल है, क्या पूरा मामला है? श्री हरि पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सुंदर नगर। यहाँ पर मैं विगत एक वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, कई शिक्षक पुराने भी हैं, सात आठ आठ दस दस साल पुराने शिक्षक हैं, उन लोगों के साथ भी ये चीज़ की गई है। और मेरे द्वारा भी कई बार फ़ोन करने पर केवल यही कहा गया है कि बस मीटिंग बुलाएंगे और सैलरी देंगे, लेकिन अभी तक कोई सैलरी नहीं दी गई। ये कितने समय से आप लोगों को सैलरी नहीं मिल रही? मार्च 21 मार्च तक तो हमने जॉब किया यहाँ पर, तो मार्च महीने की सैलरी और उसके बाद जो शासकीय नियमानुसार जो आगे का प्रोसेस बताया गया सरकार ने, वो भी वेतन हमें नहीं दिया। तो फिलहाल क्या आप सभी लोग जॉब में नहीं है? हमको एक लेटर दे इशू करके उन्होंने कहा है कि हमारा मालिक और कर्मचारियों का संबंध खत्म हो चुका है और हड़ताल। कब दिया गया था ये लेटर? हमारे पास तो लेट आया था लॉकडाउन के कारण, लेकिन उस पर डेट 2 जून डली हुई है। स्कूल से सुंदर नगर एक्सटेंशन में 85। और सर हमें ये लेटर दिया गया, इसकी भाषा आप लोग देख सकते हैं कि इस किस भाषा में लिखा गया है। एक शिक्षक होता है, एक शिक्षक बहुत गरीब होता है सर, और ये प्राइवेट स्कूलों में हमने हेल्पलाइन पर भी हमने कंप्लेन की है। मार्च में इन लोगों को सैलरी का कहा गया कि मार्च में सैलरी दी जाए, तो इन लोगों ने बस हम लोगों के आधार कार्ड मांगे कि आधार कार्ड की कॉपी दीजिए, हम लोग सैलरी देने के लिए मांग रहे हैं। सर इन्होंने वो आधार कार्ड इसलिए मांगे थे ये लेटर देने के लिए। और ये किस भाषा में लिखा गया सर, आप लोग पढ़कर आप खुद जवाब दीजिए कि ये सही है क्या? क्या ऐसा अनुचित इसमें लिखा हुआ है जिसके कारण आपको थाने आना पड़ा? सर आप खुद पढ़िए ना, कृत्य कार्य किया ये सर, ये शिक्षक के लिए सही लैंग्वेज है क्या, आप खुद बताइए। अचानक क्या हुआ कि इतने सारे शिक्षकों को स्कूल में एक साथ? सर मार्च से सैलरी का बोल रहे हैं जी। 2 साल से पीएफ सैलरी में से डिडक्ट हो रहा था, लेकिन जमा नहीं हो पा रहा था सर। 2018 से पूरा साल हम लोगों ने माना, मीटिंग ली इन्होंने, हम लोगों ने मान लिया ठीक है नहीं भर रहे हैं। 19 में दिसंबर में हम लोगों ने फिर मीटिंग करवाई, इनके कंसल्टेंट आए और उनसे हमसे कहा गया कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, जो न्यू टीचर्स हैं उनसे भी कहा गया कि अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, आपकी सैलरी काटी जाएगी, अकाउंट में जाएगी, पर नहीं गई। आपने इसकी शिकायत और इसके पहले कहीं की थी? सर अभी तो हम लोगों ने सभी जगह की थी। स्कूल का नाम है ना, इन लोगों द्वारा 4 दिसंबर को बिना सूचना दिए है ना स्ट्राइक की गई, जो कानूनी रूप से गलत है। फिर 14 दिन पहले कानूनी रूप से उसकी सूचना देना पड़ती है प्रबंधन को, है ना। स्ट्राइक के पीछे कारण क्या था, क्या विषय था स्ट्राइक, क्या कारण बताकर की गई थी?
कारण बताया नहीं गया, बताया बिना किसी कारण, किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में, किसी के भी। फिर आपने क्या इसका कदम उठाया इसके बाद? आपने क्या कदम उठाया, इन्होंने स्ट्राइक की? तो हमने कुछ नहीं, मतलब जो भी सैलरी देना है सैलरी देने के लिए कभी मना नहीं करा है ना, कभी नौकरी से इनको निकाला नहीं, कभी कभी ऐसा मौखिक रूप से या मतलब कभी लिखित रूप से कभी इनको बात नहीं करा हमने। अभी जो आपने इनको लेटर इशू किया, इधर सर विवादों में रहता पहले पेड़ काटने को भी लेकर काफ़ी समय तक विवाद? नहीं नहीं, उसमें स्कूल का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पेड़ काटने में स्कूल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ना कोई नाम है ना सीधे पर उसका नाम है, उसमें उसमें कोई नाम नहीं। अभी आपने इनको आप तो ये प्रमाण देख लीजिए, प्रमाण दिखाओ उनको। हाँ तो हमारे पास भी है, उनके पास भी होगा। सैलरी नहीं देना चाह रहे हैं ऐसा नहीं बोला है, आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं सर। आप सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश बताते हो, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सैलरी हाँ, उसके लिए बाध्य नहीं है, मतलब उसके लिए हमको कोई ऐसा फोर्स नहीं कर सकता कि आपको लॉकडाउन के पीरियड का जो अभी लास्ट के दो महीने गए उसके अंदर भी देनी है। स्कूल अभी तक बंद है और आगे 31 तक बने, नहीं मांग रहे आप देख लीजिए। आप शैक्षणिक शुल्क नहीं मांग रहे सर? नहीं मांग रहे। पिछले साल का मैडम जो ये जो लोग हैं 18 लाख रुपए की फीस बची हुई है स्कूल में इन सभी लोगों के अंतर्गत, नए सत्र की तो हमने फीस ही नहीं मांगी।